बड़ी आसानी के साथ, अरे बोलो ना भाई। लेकिन अगर वही 100 किलो का आदमी अगर पानी में चला जाए तो बताओ उसके बाल को पकड़ के तुम ऊपर उठा लोगे कि नहीं, नीचे कर दोगे कि नहीं, ऊपर उठा लोगे कि नहीं, नीचे कर दोगे नहीं। जब तुम चाहोगे ऊपर उठाना तो ऊपर उठा लोगे, जब तुम चाहोगे डुबोना तो तुम बड़ी आसानी से डुबो दोगे, बताओ ऐसा होगा कि नहीं। अरे बोलो ना भाई। वो शख्स जो डूब रहा है पानी में है, एक छोटा बच्चा भी अगर तैरना चाहता है तो बड़े से बड़े भारी से भारी आदमी को डूबने से बचा सकता है, बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं। अरे बोलो ना भाई, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि जब हम जमीन पे उसे उठाना चाहते हैं तो हम उसे उठा नहीं पाते, लेकिन जब पानी के उसमें होता है तो हम उसे बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। तो सुनो, बात यह है कि पानी लतीफ होता है, पानी लतीफ होता है। पानी में अगर भारी भरकम चीज डाल दी जाए तो वो हल्की मालूम होती है। तो मुझे क्या लेने दो कि पेट में जब, शिकम में जब आमिना के, मुस्तफा के और एक नूर का हल्का था, उस नूर के हल्के में बशर परवान चल रहा था, बशर परवान चल रहा था, इस वजह से हजरत आमिना को बोझ मालूम ना हुआ। अजीजाने गिरामी, मैं आपको बताऊं कि नूर कैसे हैं मुस्तफा, आपके नूर का एक वाकया सुने। ये तो सुना है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तंताने मुबारक शहीद हो गए थे। अरे बोलो ना भाई, अहद के मैदान में ये सुना है कि नहीं, तंताने मुबारक शहीद हो गया था। और कैसा शहीद हुआ था, ये दांत है और ऐसे हल्का सा तिरछा हुआ, तिरछा कट गया था। अगर तुम्हारे दांत टूट जाए तो तुम्हारे अंदर ऐब पैदा होगा या नहीं। अरे बोलो ना भाई, किसी के अगर दांत टूट जाए तो बड़ा हसीन मालूम होगा, जब मुस्कुराएगा तो बड़ा प्यारा मालूम होगा, नहीं ना, बल्कि लोग उसके टूटे हुए दांत को देख के हंसेंगे, है ना। लेकिन सुनो, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे आयशा में गए तो हजरत आयशा को परेशान पाया, एक सुई थी जो जमीन पे गिर गई थी, रात का वक्त था, सुई नजर नहीं आ रही थी। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए आयशा क्या ढूंढती हो, कहा मैं अब खोई हुई सुई को ढूंढ रही हूँ। अब जो ये सुना तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। अब जो तबस्सुम फरमाया तो जो यहाँ पे नूर था वो छन छन करके बाहर आ रहा था, वो छन छन करके बाहर आ रहा था। तो मुझे कहने दो, हुजूर ताजुल औलिया का ये शेर याद आता है, गुमशुदा सोजन मिली ये आयशा, कहने लगी उस अंधेरे में नबी का मुस्कुराना याद है, उस अंधेरे में नबी का मुस्कुराना याद है। अजीजाने गिरामी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नूर है, अब जरा आपकी नूरानियत को देखिए। हजरत दाई हलीमा का नाम सुना है कि नहीं, वो दाई हलीमा बूढ़ी हो चुकी थी, और जो औरत बूढ़ी हो जाती है तो बताओ क्या उसके पिस्तान में कोई दूध रहता है, खुश हो जाता है, दूध नहीं रहता। हजरत दाई हलीमा इस गर्ज से कौम में गई थी कि कोई हमें अपना बच्चा दे दे कि मैं उसे दूध पिलाऊं। अब जो पूछा तो खबर मिली कि आमिना के घर में एक हसीन मुखड़े वाला लड़का
पैदा हुआ है। अब जो ये खबर पाई तो गई हजरत आमिना से तलब किया, देखा तो उसने मुस्तफा को देखती रह गई और बोल उठी कि इस बच्चे को आप मुझे दे दें, इस बच्चे को आप मुझे दे दें। अब जो जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत को अपनी गोद में लिया, बूढ़ी हलीमा के पिस्तान में दूध उतर आया। अजीजाने गिरामी, हजरत हलीमा सादिया अब जो मुस्तफा जाने रहमत को लेकर अपने कबीले की तरफ बढ़ी तो बूढ़ी हलीमा की बूढ़ी उठनी थी जो कमजोर और ज़ईफ थी। अब जो जैसे ही उस ज़ईफ उठनी पे हजरत ताई हलीमा मुस्तफा जाने रहमत को लेके सवार हुई तो आलम यह हो गया कि उसका बुढ़ापा चला गया, तेज रफ्तार हो गई और दूध वाली हो गई, दूध वाली हो गई। उसके पिस्तान में दूध उतर आया। बंजर जमीन से मुस्तफा जाने रहमत का गुजर हुआ, जहां जहां ऊंट के कदम पड़ते वहां वहां हरियाली होती चली जाती। सूखी जमीन है, बंजर जमीन है, उस बंजर जमीन और सूखी जमीन पर अगर उस ऊंट का गुजर हो रहा है तो तसव्वुर करो कि आगे बढ़ता चला जा रहा है ऊंट और पीछे हरियाली होती हुई चली जा रही है। बहुत से अजायबात देखे हजरत दाई हलीमा ने। अब जो घर पहुंची, अपने शौहर से कहा कि कुछ खाने को है? कहा क्या कुछ खाने को है, कुछ तो घर में है नहीं, मुझे लगा तुम गई हो कुछ लेके आओगी, कुछ है तो नहीं घर में, और ये जो बकरी पड़ी है ये भी बूढ़ी है, कमजोर है, इसके तो दूध भी खुश हो चुके हैं। तो हजरत दाई हलीमा ने कहा अरे मेरे खाविंद सुनो सुनो, मैं बहुत से अजायबात देख के आ रहा देखती आ रही हूँ, अरे मेरे दूध खुश्क थे, मेरे पिस्तान खुश्क थी, दूध उतर आया है इसी नूरानी चेहरे वाले की बरकत से, जवान हो जाती है इसी नूरानी चेहरे वाले की वजह से, बंजर जमीन सर शब्द शादाब हो जाती है इसी नूरानी चेहरे वाले की वजह से। ये नूरानी चेहरे वाला अगर हमारी बकरी को छू देगा तो मुझे यकीन है कि ये बकरी भी जवान हो जाएगी और इसके भी थन में दूध उतर आएगा। गोद में लेकर मुस्तफा जाने रहमत का हाथ अपनी बकरी पर फेरती है, इधर फेरा जाता है, थन में दूध उतर जाता है, पैर फैल जाते हैं। यह नूर का असर था। अजीजाने गिरामी, मैं आपको एक बात और बताऊं, नूरे मुस्तफा होने की एक दलील यह भी है कि बशर के अंदर कोई हिस्सा काटा जाए तो बताओ खून का कतरा बहेगा कि नहीं। अरे बोलो ना भाई, तुम्हारी एक हल्की सी उंगली में एक पिन मजबूत तुम बताओ खून बाहर आएगा या नहीं आएगा, आता है कि नहीं। लेकिन सुनो, हजरत दाई हलीमा का एक बेटा था, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रजाई भाई था मुस्तफा जाने रहमत, और वो उनके रजाई भाई दोनों साथ में बकरियां चराने के लिए गए। अब जो गए तो एक वादी पर रजाई भाई ने देखा ये कि चंद आसमान से नूरानी चेहरे वाले नाजिल हुए और उन्हें लिटा दिया, सीना शक कर दिया और सीने से दिल बाहर निकाल लिया।
दिल बाहर निकाल लिया। और जो ये देखा गजबनाक मंजर, तो दौड़े दौड़े अम्मा के पास गए, कामा